बोलिए लाडली लाल की। पांच प्रकार के दुख, पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। इसी योग दर्शन के सिद्धांत को सांख्य ने इस प्रकार कहा, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। इसमें जो अधर्म शब्द है इसका मतलब होता है अभिनिवेश। अधर्म शब्द का अर्थ है अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं? ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अभिनिवेश कहते हैं मैं कभी ना मरूं ऐसी भावना। इस भावना के कारण हम दुखी हैं। हाँ, इस बार मैं लेके आ गया, हाँ, ये सांप आ गया, क्या हुआ? आ गया तो क्या हुआ? पर ये काट लेगा तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा। तुम तो आत्मा हो, तुम कैसे मर जाओगे? पर ये शरीर मर जाएगा तो शरीर तो नश्वर है ही। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है। अरे शरीर तो नष्ट होगा ही, क्या तुमने कोई शरीर देखा है जो नष्ट ना हो? बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी किसी को आप देख रहे हैं जिनको हिस्ट्री में पढ़ते? हाँ, सब चले गए। उनके शरीर तो बड़े कमाल के थे, आकाश में उड़ जाएं, पाताल में चले जाएं, फिर भी वो शरीर चले गए। ये दिया तो तुम्हारे शरीर में कौन सा कमाल है जो नहीं जाएगा? हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता। ये अभिनिवेश का दुख है। इसी को कहते हैं सांख्य में अधर्म। अधर्म माने जो धारण करने योग्य न हो, जो मानने योग्य बात न हो, ना समझी की बात हो, उसको भी जबरदस्ती हम माने और दुखी हो। अकारण रोज देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, एक यक्ष ने युधिष्ठिर से 60 सवाल किए थे। उन 60 सवालों में ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अन्य अनुभूतानि गच्छन्ति हि जमालयम् शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। डेली मनुष्य, पशु, पक्षी सब देहधारी यमालय को जा रहे हैं, मर रहे हैं, तुरंत पैदा होते ही भी मर रहे हैं, बाल्यावस्था में मर रहे हैं, युवावस्था में मर रहे हैं, वृद्धावस्था में मर रहे हैं, सब मर रहे हैं किसी न किसी अवस्था में। लेकिन जो शेष बचे हैं वो अपने को स्थिर समझते और मरने से डरते। सबको डर लगा रहता है मरने से, कहीं मैं मर न जाऊं। पता है मरना मरना है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। यानी आपकी ऐसी पावर है कि आप भगवान के संविधान को काटने की प्लानिंग कर रहे हो। मेरे प्लानिंग तो नहीं करना चाहता, मैं न कर ही सकता हूं, न मेरी कोई सामर्थ्य है। अरे जब भगवान के कानून को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी, अमृत बांटने वाले देवता लोग नहीं कर सके,